बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज जयपुर सुंदर साथ के प्रेम भीने भाव हम भी प्रेम से ओत प्रोत होकर सुनेंगे, और जिस बेटे ने ये बनाया है उस बेटे के चरणों में BCA कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अपनी पढ़ाई में से समय निकाल कर इतनी प्यारी शोभा आपने बनाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी बेटा। और जयपुर के यदि ये मंदिर के दर्शन ना किए हो, अति 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 सुंदर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर, जिन्होंने ये फोटो उपलब्ध कराई, नाम लेने से मना करते हैं, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आप समझ जाएंगे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं जी शिल्पा जी की ओर। जी शिल्पा जी, आज कौन वो करने वाले हैं एंकरिंग? प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। मैं ही करने वाली हूँ आज। प्रणाम जी आप स्टार्ट कीजिए शिल्पा जी। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, सुंदर साहब जी। आज हम जयपुर के सुंदर साहब यानी कि गुलाबी नगरी के सुंदर साहब, आप सब सुंदर साहब के समक्ष आए हैं और कुछ अपने प्रेम भाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ जी की तरफ से, तो हमारे पहले सुंदर साथ आ रहे हैं अनीता सहगल जी, जो कि अपनी प्यारी मधुर वाणी से अपना वाणी गायन करेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आवाज बिल्कुल। परफेक्ट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी। टूक टूक कर डालू या तन, टूक टूक कर डालू या तन, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। इन जर जिमी से कोई ना निकसा, अमल चढ़ो अति भारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकसा, अमल चढ़ो अति भारी। मुझ देखते सैयन मेरी, मुझे देखते सैयन मेरी, कियो जीत की बाजी हारी मैं तुम पर।
मैं तुम परिवारी कारी को मत पूछ खूब खूब चल कारी को मत खूब खूब चल ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी कारी को मत खूब खुचल ऐसी कठोर कठिन कठोर हूँ नारी आत्म मेरी निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी मैं तुम परवारी सहजे पार उतारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी सुंदर स्वरूप सुगम अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी सुंदर स्वरूप सुगम अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोटि बेर ललिता कुर्बानी कोटि बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी धनी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी टूक टूक कर डारू या तन टूक टूक कर डारू या तन ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परिवारी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी सबके चरणों में मेरा उठान को प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर अनीता दीदी, शुरुआत ही वारी से, वारी रे वारी से हुई है, तो कितनी मिठास और कितना प्रेम जयपुर सुंदर साथ अपने भावों में पिरो कर लाए हैं। आज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अति मीठा अति सुंदर प्रणाम जी। शिल्पा प्रणाम जी सुंदर साहब जी, बहुत ही मधुर वाणी, वारी रे वारी मेरे प्यारे ही मैं तुम पर वारी। अब हम सुंदर साहब जी बाला दी को बुलाते हैं, बाला सेतिया जी उनको बुलाते हैं, वो अपने प्रेम में भाव करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राजी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्यार भरा प्रणाम जी। वैसे तो आजकल मैं जूम मीटिंग में आती नहीं हूँ, लेकिन चांद आंटी ने प्यार से पुकारा और हम चले आए। चांद आंटी के हुक्म की पालना करते हुए मैं अपने भाव व्यक्त कर रही हूं। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक। हमारे पास इस संसार में कहने को अपना तो कुछ है ही नहीं, जो है मेरे पिया का दिया हुआ लाड, उनकी मीठी वाणी और उनके ही वचन, जिसको इस संसार में हम अपना कह सकते हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, हादी मीठे सुकन हक्के कहेगा, तुम्हें रोए रोए
तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। सुंदर साथ जी, राज जी, कभी मुझे प्यार से जगाते हैं, कभी उदास होकर, तो कभी खंडनी करके। वाणी में तरह तरह से वो कई युक्तियों से बस एक ही कोशिश कर रहे हैं कि बस हम उनके पास आ जाएं और चले जाएं। और अब तो राजी महाराज ने सब कुछ हमें दे दिया है, अब हमारे पास जोश भी है, होश भी है, तो बस हमें अब 1 मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिए, दौड़ के अपने पिया के पास चलना है। बस यही हमारी उनसे अर्जी है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाना है। सुंदर साथ जी, हमने इश्क रबत किया, हम खेल में आए, हमें स्वयं हमारे प्राण पिया ने जगाया। कौन बदबूए में होते, अब आई कौन खुशबूए, सहूर अपने दिल में तौल देखो ए दोए। हम माया में आकर भूल गए, धनी ने अपने चरणों में लगाया, हमें हमारी निस्बत की पहचान कराई। क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक। जब मुझे ये बात समझ आई तो मेरे दिल में एक अलग ही खुशी का संचार हुआ। मेरे पियाजी ने अपने स्वरूप श्रृंगार हमारी निस्बत मुझे मेरे घर की पहचान चरचनी और चितवनी से कराई। जब पूर्णता राज्य की और अपनी पहचान हो गई तो दिल से आवाज आई, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पियाजी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पियू पर भई कुर्बान। फिर पियाजी ने समझाया, ए इलम हक्के दिया, मैं कहाँ कहूँ खसम, ठौर न कोई बोलन की, बैठी हूँ तले कदम। मोमिन होए सो समझियो, ए बीतक कहे श्री मामत, अब बात न रही बोलन की, कहया चलते जान निस्बत। स्वामी जी जब ध्यान में जाने लगे तो हमें प्रबोधा कि जब हमें सब समझ आ गई तो बस अब बोलने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। सुंदर साथ जी, बस अपने धनी के ध्यान में चितवन में लग जाओ और निरखो अपने पिया को, स्वरूप श्रृंगार को। वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। और अंत में एक चौपाई और, ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। सुंदर सा जी, इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ तो ये है कि मेरी बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक राज्य मेरे सिर पर खड़े हैं, लेकिन नहीं, ये हमारी कहाँ से यात्रा शुरू हुई है, अर्श से इस फर्श पर आने तक, और फर्श से अर्श पर राज्य महाराज हमें लेकर जाएंगे। इस तरह से वो हमारे सिर पर खड़े हैं। तो बस इतना ही स्वीकार कीजिए, कोई गलती हो तो क्षमा करें। और एक बात और कि बस इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात, हाथ जोड़कर धनी धाम से मांगू यही बात। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बाला दीदी, बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध भाव की हादी, मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, रो रो कर कहेंगे सुन सुन तुम भी रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। किस प्रकार की ये विडंबना है कि सुन सुन के रो रहे हैं पर होश में नहीं आ पा रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर आपके मीठे भाव, आप जरूर हमें सुनाते रहा करो, यदि नहीं आते तो आते रहा करो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, ताकि आपके दिल की ये तरंगे हमें मिलती रहें। प्रणाम जी। नाम जी, और नाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत मीठे भाव हमारी प्यारी बाला दी की तरफ से। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अगले सुंदर साथ, जो है हमारे राजेश भैया, जस्सी भैया कहते हैं जिन्हें, उनके मीठे भाव सुनते हैं।
प्रणाम जी सुंदर साहब जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट भैया प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह से सबके आके सामने आके बोलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास है जो धनी जैसा बुलवा दे। बात है प्रेम की। प्रेम यानी पारब्रह्म। प्रेम और पारब्रह्म एक ही स्वरूप है और दोनों ही इस जगत से परे हैं, शब्दातीत हैं। पारब्रह्म ही प्रेम की एकमात्र सोर्स है और प्रेम के बिना पारब्रह्म को पाना सर्वथा असंभव है। अतः दोनों ही अरस परस है। एक के बिना दूसरे की कल्पना ही निराधार है। जिस प्रकार सूर्य में तेज है, शहद में मिठास है, उसी प्रकार प्रेम पारब्रह्म में ओतप्रोत है। इसलिए प्रेम की विवेचना स्वयं अक्षरातीत के बिना कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर स्वयं महामती जी प्रेम की महिमा को शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, ताकि आत्मा अपने धनी और उनके अखंड प्रेम की पहचान कर सके। यहाँ आत्मा इसलिए कहा गया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सोनिया जी ने बताया था कि आत्मा फरामोशी में है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार पारब्रह्म और प्रेम अभिन्न है, उसी तरह ब्रह्म आत्माएं भी धनी का ही अंग है, उनकी अर्धांगिनी। वह अपने धनी से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। रूहें अपने प्राण प्रियतम के साथ सदा सर्वदा प्रेम और आनंद की लीला में ही मगन रहती है। जिस प्रकार लहरों के रूप में सागर का जल क्रीड़ा करता है, किरणों के रूप में सूर्य का तेज लीला कर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि के रूप में धनी के हृदय में विद्यमान प्रेम लीला करता है। तो कह सकते हैं कि पारब्रह्म और प्रेम के समान ही पारब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि भी एक ही स्वरूप है। और धनी को पाने का एकमात्र मार्ग प्रेम ही है, इसलिए प्रेम की पहचान करना अति आवश्यक है। उसे पाने की का जो मार्ग है वो खोज बहुत जरूरी है। सुंदर साहब जी, प्रेम का मूल स्थान निराकार के पार, तिन पार के भी पार है। तो नवधा भक्ति से उसे इस झूठे संसार में खोजना बहुत बड़ी भूल होगी। इस संसार का कोई भी दृष्टांत या उपमा अखंड प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकता। परम धाम के अनन्य प्रेम की बातें बहुत गहरी है सुंदर साहब जी, और इन्हें समझने की पात्रता उन्हीं में है जिनमें परम धाम का अंकुर है, जो अक्षरातीत की निस्बती ब्रह्म सृष्टि है, जिनका मूल संबंध श्री राज्य से है। वही वही इस प्रेम को पा सकती है। उनके बिना अन्य कोई भी इस प्रेम मार्ग पर चल ही नहीं सकता। परिक्रमा ग्रंथ की एक चौपाई है कि बात इश्क की है अति घन, पर पावे सोई सुहागिन। ब्रह्म सृष्ट बिना ना पावे, संबंध बिना इश्क ना आवे। प्रेम ना तो पैदा होता है ना ही नष्ट होता है, ना पुराना होता है और ना नया, ना कम होता है और ना बढ़ता है। प्रेम तो अखंड और एक रस रहता है। प्रेम में संशय के लिए भी कोई स्थान नहीं रहता। इसीलिए प्रेम के समक्ष माया भी टिक नहीं सकती है। सुंदर साहब जी, परम धाम की आत्माओं का आहार ही प्रेम है।
जिस आत्मा के दिल में धनी का प्रेम बसा हो वहां माया का प्रभाव शून्य हो जाता है। प्रेम में डूबने पर अपने शरीर और इस ब्रह्मांड के होने का एहसास ही खत्म हो जाता है। एकमात्र प्रेम से ही परम धाम का दीदार और उनके अखंड सुखों की प्राप्ति संभव है। श्री राज जी को प्रेम और प्रेम की लीलाओं के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सुहाता है। उनके अंग अंग में, रोम रोम में प्रेम बसता है। श्री राज जी का प्रेम निराकार के परे, बेहद एवं उसके भी परे परम धाम के सभी दरवाजों को खोल देता है। प्रेम की राह अपनाने पर हृदय में नाम मात्र का भी विकार नहीं रह जाता। हृदय में प्रेम आते ही दृष्टि शरीर और संसार से हटकर परम धाम की ओर लग जाती है। सुंदर साहब जी, जिस अक्षरातीत को आज दिन तक कोई नहीं जान सका, प्रेम ने उनकी स्पष्ट पहचान करा दी। इस प्रेम की इतनी महिमा है कि इसके कारण ही 14 लोक के इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को वैष्णों का अखंड सुख प्राप्त होगा। अर्श में होने वाली प्रत्येक लीला के मूल में सुंदर साची प्रेम ही तो है। प्रेम वही करता है जो राज्जी के दिल को अच्छा लगता है। वह आत्मा को धनी के हृदय की गुज बातों की पहचान कराता है। प्रेम में इतनी ताकत है। प्रेम के कारण ही गुण, अंतकरण, इंद्रियों और स्वभाव पर यथार्थ रूप से नियंत्रण संभव हो पाता है। सुंदर साहब जी, हृदय में प्रेम का निवास होने पर अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और जीव भी अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। उसके लिए भी प्रीतम श्री राज्जी से अलग होकर इस संसार में रह पाना बहुत कठिन हो जाता है। सुंदर साजी, सारांश ये है कि अक्षरातीत तक पहुंचने का एकमात्र साधन है प्रेम। प्रेम के द्वारा ही धाम धनी के दिल की सभी बातों को जाना जा सकता है। यही प्रेम आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप की शोभा को बसाता है। प्रेम के कारण ही आत्मा और पारब्रह्म एक स्वरूप दिखाई देते हैं। इसलिए प्रेम ही पारब्रह्म है और पारब्रह्म ही प्रेम है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। और जब ये हम ब्रह्म सृष्टियां इस दुनिया में आ गई खेल में और भूल गई, तो धनी अपने प्रेम की पहचान कैसे कराते हैं, वो अंत में एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कि धनी कहते हैं कि कभी तुम अकेले में देखना तारों को, जो कोई तारा तुम्हें देखकर टिमटिमाए तो समझ लेना वो मैं हूं। संसार जी, परम धाम का जर्रा जर्रा धाम धनी के इश्क के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनके प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। कभी तुम खामोश होकर यूं ही टहलना, चले जो भीनी हवा तुमसे लिपट कर, तो समझ लेना हूं मैं हूं। राजी अपने प्रेम का एक रूप ये भी दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें छू कर जो हवा भी चली तो वो भी मैं ही हूं, वो मेरा प्रेम ही है। कभी तुम तन्हाई में छेड़ना साज को, तो निकल कर छू ले जो धुन तुम्हारे मन को, समझ लेना वो मैं हूं। कभी तुम उदास होके अकेले खड़े हो कहीं, गिरे जो आंसू तुम्हारे गालों को छूकर, तो समझ लेना वो मैं हूं। कभी तुम
जो यूं अकेले में सोच के कुछ मुस्कुराओ, उस पल को जो सुकून मिले तो समझ लेना मैं हूं। कभी तुम दूर खड़े हो एक फैले हुए समंदर के पास, समंदर को देखकर जो शांत हो तुम्हारा मन, तो समझ लेना वो मैं हूं। तो समझ लेना मैं हूं। सुंदर साथी, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी भूल को माफ कीजिएगा सुंदर साथी। कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी। अति सुंदर शब्द और अति सुंदर भाव, अति सुंदर आवाज। यदि आपने और भी जस्सी भैया की आवाज में सुनने हो तो वो फेसबुक में इस प्रकार के अपने वीडियोस, अपने क्लिप्स डालते रहते हैं। आप सभी सुंदर साथ आनंद ले सकते हैं उनसे फेसबुक में जुड़कर। प्रेम ही पार ब्रह्म और पार ब्रह्म ही प्रेम, इश्क ही पिया है, पिया ही इश्क के स्वरूप। अति 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 सुंदर प्रेम भीने भाव, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि इनके और इनकी धर्म पत्नी जिनको अवसर मिला है रूबी जी के पास बैठे हैं, तो सुंदर साथ जी पता लगता है कि सुंदर साथ कितने भीगे हुए हैं अंदर से। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत प्यार से जसी जी ने समझाया कि प्रेम से पाओगे पार। आइए सुंदर साथ जी, अब अगले सुंदर साथ के पास चलते हैं। नैन्सी परनामी जी, हमारी प्यारी नैन्सी दीदी। आवाज आ रही है शिल्पा? हाँ आवाज आ जी, रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में और विद्वत गणजनों के चरणों में और सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज मेरा विषय है जो बीतक से ही संबंधित है, जो बीतक का प्रसंग हमारे चल रहे हैं उससे ही संबंधित मैं कुछ बात कहना चाहूंगी कि संसार में सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। कुछ समय संसार में एक तरफ अज्ञान होता है तो एक तरफ अंधकार, और मानव जाति ज्ञान और अज्ञान के बीच हमें जूझती हुई नजर आती है। आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें प्रकाश फैलाती हैं तो अंधकार दूर हो जाता है और दूसरी तरफ वापस रात को अंधेरा छा जाता है। इसी तरह संसार जूझता हुआ चल रहा है ज्ञान और अज्ञान के बीच में। और जब वेदों का सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ तब भी उस उनकी व्याख्या, वेदों की व्याख्या भी ऋषि मुनियों ने अलग-अलग तरह से कर दी। उसका मूल जो अर्थ था वो भी चला गया। ऐसे समय में जब पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत पारब्रह्म इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उस समय भी अज्ञानता का अंधकार बहुत घना होता है। अनादिकाल से सृष्टि चलती आ रही है और चलती रहेगी, लेकिन श्री जी के चरण कमल, पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत के चरण कमल ना इस दुनिया में आए ना कभी आएंगे। कहते हैं सुंदर साथ जी, सत्य की राह पर चलना दुधारी तलवार की तरह है, तलवार की धार के समान है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है उसको विरोध का सामना तो करना ही पड़ता है। जब पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत इस धरती पर आए और ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए चल पड़ते हैं तब उन्हें आप देखोगे बीतक में आवासी बंदर से लेकर जहां जहां श्री जी गए, उदयपुर गए, पन्ना गए, वहां वहां उनको विरोध का सामना करना। आप देखोगे कि दीप बंदर में जब श्री जी जाते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं कि ये हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ आप इस बात पर विचार करोगे कि हिंदू समाज जो है उनको धर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम और देवी देवताओं का अर्थ क्या है ये भी नहीं मालूम, और भागवत के श्लोक की बात भी वो करते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम। जबकि गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को
अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया कि भक्ति का सूत्र केवल एक ही है कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर आप समर्पित हो जाइए। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि आप उसको प्राप्त कर सके। जब श्री जी इस धरती पर आते हैं तब जगह जगह पर उनका विरोध को सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो सत्य की बात करते हैं, जबकि श्री जी के अंदर स्वयं अक्षरातीत विराजमान है। जो भी इस रास्ते पर चला सुंदर साथ जी, उसको विरोध का सामना करना पड़ा। आप देखोगे दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य जी, सुकरात को जहर तक दिया गया। दयानंद सरस्वती जी को 14 बार विष दिया गया वो उस रास्ते पर चले थे। लेकिन हमारे परम हंस जितने हुए, आप सरकार जी का जीवन देखें, राम रतन दास जी का जीवन देखें, आप जूम पे रोज पढ़ते भी हैं, वाणी चर्चा भी करते हैं, तो पूरा जीवन मोमिनों का, चाहे जितने भी मोमिन हुए, औरंगजेब का समय था, उस समय चेतना का संचार करना कितना मुश्किल था सुंदर साथ जी, लेकिन 12 मोमिनों ने जो कुर्बानी दी वो आज तक किसी ने नहीं दी और ना कोई दे सकेगा। हमारे बीच में आज भी बहुत सारे सुंदर साथ इस राह पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन शायद हम उस राह पर नहीं चल पड़ते। हमें भी उस राह पर चलना है, चितवनी की राह पर चलना है, जो स्वामी जी ने हमें रास्ता बताया है, और जूम मीटिंग के द्वारा जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जब भी मैं उनको सुनती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर और बहुत ज्यादा अपने आप को फील करती हूँ कि मैं इस रास्ते पर नहीं चल रही हूँ। सुंदर साथ जी जैसे सोनिया कहती है, कहना सुनना बहुत आसान है लेकिन उस राह पर चलना बहुत मुश्किल है। आज सोनिया को मैं बहुत समय से देख रही हूँ, इतने समय से इस चीज को करना, ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल है, समय देना और उस पर अडिग रहना और निरंतर चलना सबसे बड़ी बात, बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ जी जो उस रास्ते पर चल रहे हैं सुंदर साथ, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वाणी हमारी यही कह रही है, जब स्वामी जी थे तब उन्होंने चितवन करवाई हमें, वाणी का वाणी के लिए कहा कि वाणी में ही मैं हूँ, तो सुंदर साथ जी हमें भी उस रास्ते पर चलकर जल्दी से राज्य के लिए अर्जी करनी है कि हम सब सुंदर साथ मिलकर वहां पर पहुंचे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी ये जो कह रही है ना कि मैं उस रास्ते पर चल नहीं रही, ये स्वयं वाणी चर्चा और बीतक सुंदर साथ को सुनाती हैं, वो सेवा करती हैं, धनी जी उनसे ये सेवा ले रहे हैं। और मुझे पता लगता है कि जयपुर से सरकार श्री इतना प्रेम क्यों करते थे, क्योंकि जयपुर सुंदर साथ में ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। धनी जी की ओर से ही ये मेहर है जयपुर सुंदर साथ पर कि हमेशा रतनपुरी में भी कंपटीशन हुआ करते थे, तो जयपुर एक एग्जाम्पल बन के सामने होता था, हमेशा फर्स्ट आया करता था। आज भी ज्ञान के मामले में जयपुर सुंदर साथ बहुत आगे हैं, हम सबको उनसे सीखना है, हम सबको उनसे ज्ञान लेना है, और हम सबको इंक्लूडिंग जयपुर मिलकर प्रेम की राह पर जरूर चलना है। ज्ञान प्लस प्रेम का जो समन्वय होता है ना, वो पिया जी के बहुत पास ले जाता है। और नैन्सी दीदी, मुझे तो आपसे आशीर्वाद चाहिए कि हम भी आप सी राह पर चल पड़े, जैसे आप स्वामी जी का टीका पढ़ के आगे सुनाती हैं सब सुंदर साथ को, हम भी ऐसा कर पाएं जैसे फेस टू फेस आप सेवा कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो घर में बैठकर एसी पंखे हीटर चला के यहाँ बैठी रहती हूँ, घर से बाहर भी नहीं निकलती। ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर भाव प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर भाव हमारी प्यारी नैन्सी दीदी के। आइए सुंदर साथ जी, अब हम अगले सुंदर साथ के तरफ चलते हैं। अरुणा जी, अरुणा जी आए और अपने भाव रखें। जी प्रणाम जी। जी अगर कैमरा भी ऑन हो गया। प्रणाम जी सुंदर साथ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी जी के लाडले और मुझे प्रतिदिन आनंद देने वाले सुंदर साथ जी को
कोटान कोट सुप्रीम प्रणाम, और हमारी अजब गजब सोनिया जी को बारंबार प्रणाम। मन के भाव थोड़ा सा बताने का आदेश हुआ है, हुक्म को टाल नहीं सकी मैं, वैसे बोल नहीं पाती हूँ, फिर भी चलो कोशिश आज कर रही हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सबको यहाँ बैठे सुंदर साथ सबको मैंने वाणी में गोते लगाते देखा है, तो मुझे बार बार मेरा खुद का ही ध्यान आता है मेरा क्या होगा। तो इस बात को मन में याद करते हुए मुझे स्वरूप साहब में वर्णित हांसी का प्रकरण याद आ जाता है, जो हांसी की चुपियां बहुत आई हैं, जो मुझे लगता है मेरे ऊपर मेरे लिए ही लिखी गई हैं। वैसे तो सब हुक्म से ही होता है, पर महामती जी ने हांसी की बहुत चुपियां कही हैं, तो कुछ मकसद तो जरूर होगा, हांसी यानी कि निश्चित है। सागर ग्रंथ की एक चुपई, हांसी ना होसी हुक्म पर है हांसी रूहों पर, अर्थात हांसी जरूरी है, आवश्यक है, निश्चित है। पिया मैं खेल जानिया घर का, जो खेल करत सदाएं, जैसे 25 पक्ष हैं, मैंने तो ऐसे ही खेल मांग लिया था कि जैसे वहां घुमाने ले जाते तो राजी मिराज आप मुझे यहाँ भी ले जाओगे, घूम के आ रहे हैं, वायदा भी कर दिया हम नहीं भूलेंगे, 100 बार अजमा लेना ये भी बोल दिया, अलस्तो बेरब कुम भी कह दिया, पर यहाँ आते ही हमारा क्या हाल हुआ, सब आप लोग सब हम सब जानती हैं, भूली मूल वतन और खसम सब कुछ भूल गए, माया का ऐसा नशा चढ़ा, संसार को ही सब कुछ मान लिया, झूठे परिवार की जालियों में बंधे हुए हैं, मोह के बंधन है, फांसी तो होगी ही, इस सत्य की तरफ तो जा नहीं रहे, झूठ में बंधे हुए हैं, झूठ को सच समझ के बैठे हैं। अब परम धाम में तो स्व द्वैत की लीला है, पर काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत की लीला है, सबकी कथनी करनी रहनी अलग अलग है, तो हांसी भी अलग अलग ही होगी। हरखे हांसी साथ में करसी साथ की लोल, माया मांगी सो देखी नीके, कोई ना हांसी या तोल। सातवें दिन की लीला है, जब हम जागेंगे, जैसे हम सब प्रार्थना करते ही रहे, अर्जी करते हैं राजी जल्दी ले चलो, तो जब वहां उठना है तो खूब खिलखिला के हंसते हुए उठेंगे, माया से बेजार रो रहे हैं तो वहां जाते हैं, वैसे ही आनंद की भूमि है तो आनंद में लीला तो होगी ही, सब खुश होंगे, प्रेम की क्रीड़ा करेंगे, और राजी से कहेंगे माया मांगी सो देखी नीके, हमने जो माया मांगी थी अब हमने अच्छी तरह से देख ली है, क्योंकि ब्रज रास के बाद तो गए थे तो हमें वापस माया मांगनी थी, अब ऐसा नहीं होगा कि हम दोबारा दोबारा खेल मांगेंगे, अच्छे से देख लिया ऐसा बोलेंगे। जो झगड़ा लगावे आप में तय होसी बड़ा पछताव, जो व्यर्थ के विवाद में पड़े हैं, एक ही स्वरूप साहब को एक ही वाणी को हम मानने, एक ही प्राणनाथ जी को मानने वाले भी आपस में विरोध में लगे हुए हैं, तो वहां जाके बहुत पश्चाताप होगा, वो जाने कोई ना देखी पर धनी बैठे देखे आप, अभी इस समय तो ऐसा लग रहा है धनी नहीं देख रहे, हम ही सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां जाके धनी हर समय हमें देख रहे हैं, वास्तविकता ये है धनी की नजर हर समय हमारे ऊपर है। कोई बड़ाई ले बैठिया सो गईया आपको भूल, उठिया अंग पछताए के कोई सूरत बेसूर, कोई सखियां प्रतिष्ठा के पीछे भागी अपने स्वरूप को भूल गई, वह भी पश्चाताप से भरी होंगी और उनकी सूरत ऐसे होगी जैसे अपराध करके उठे हों, और जिन कछु ना कातिया छुपाए रही मुख सोए, मेरे जैसी सखियां मेरे जैसी, जिन सखियों ने सूथी नहीं काता वह अपना मुख छुपा लेंगी, छुपाने से क्या तात्पर्य, शर्मिंदगी होगी, साक्षात रूबरू राजी के बैठे हैं वहां तो अपन, तो उसके बाद मुख तो कहाँ छुपा पाएंगे, नजर से नजर हम नहीं मिला पाएंगे, अर्थात शर्मिंदगी बहुत होगी, हमारी नजरें झुकी होंगी। ए हासी फरामोशी की होसो बड़ा विलास, जागे पीछे आनंद को अंग न मावता, यहाँ से जागने के बाद परम धाम में जो इस मायावी खेल की हंसी होनी है उसकी लीला का आनंद बहुत अधिक होगा, वह हमारे दिल में नहीं समा पाएगा, इतना अधिक आनंदित होंगे, भूमि वैसे तो इश्कमयी है आनंदमयी है, तो आनंद तो होगा ही, हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे, हंसी धनी तो हमारे पर क्या करेंगे, मुझे लगता है हम खुद ही अपनी गलतियों पे हंसेंगे, क्योंकि वहां जाए बाद हमारी कैसी तो तैयार है शायद, कि वो देख के हम खुद ही अपने कर्मों पे हंसेंगे अपने कि हमने वहां जाके क्या किया था, राजी तो क्या हंसेंगे। ए सुख आनंद फरमोश को कहो न जाए अलेखे, ए सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरमोशी जे, ए सुख आनंद फरमोश को
मायावी जगत में जागने लीला में अलेखे जो हमें यहाँ सुख दिए हैं, जो सुख परम धाम में भी हमें नहीं मिला था, जैसे 4 सागर का था तो यहाँ हमें 8 सागर का सुख मिला। हम वहां तो हम गंजान गन इश्क में ही रहते थे, कुछ भी हमें तो मेरे ख्याल से संबंध का भी पता नहीं था, उनकी साहिबी का भी पता नहीं था, जो सब हमें यहाँ इस जागने लीला में राजीव ने सुख दिए। लेकिन ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरमोशी जे, ये जो सुख दिया है अपने जागनी लीला में, जब हम वहां जाग जाएंगे तो जागे पीछे हम ये सुख वापिस नहीं चाहेंगे। तोबा तोबा करके जा रहे हैं, अब इस सुख को वापिस नहीं मांगेंगे, ऐसा भाव मन में आ रहा है। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी प्रणाम जी, कोई गलती हो तो क्षमा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अरे वाह, कितना सुंदर हमारा आईना हमें दिखा दिया चौपाइयों के माध्यम से, किस प्रकार की हंसी हमारी वहां पर होने वाली है, किस प्रकार की रहनी हमें यहाँ अपनानी है कि हमें मुंह ना छुपाना पड़े, अपना धनी की नजरों में नजरें डालकर वैसे ही कंटिन्यूटी बनी रहे, बस खेल का पर्दा हटे और इश्क का प्याला अंदर जाए। अति सुंदर अरुणा जी, मुझे तो पता ही नहीं था, आप कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, आपने इतना सुंदर बोला है कि आपको बोलते रहना चाहिए, अब रुकना नहीं चाहिए, आगे भी ये प्रवाह जरूर बहता रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे हीरे चुनकर लाए हैं हमारे शिल्पा जी, हमारे चांद कमल आंटी, अति 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 सुंदर जयपुर सुंदर साज। प्रणाम जी अरुणा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप लिखते रहा करो, आप बहुत अच्छा लिखते हैं प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अगर हो सके ये लिखे हुए सुंदर साथ जी तारतम मंजरी में छपने के लिए जरूर भेज दीजिएगा, बहुत सुंदर सेवा हो जाएगी हम सबकी ओर से। शिल्पा जी आप सबके इकट्ठे करके प्रिंटिंग के लिए भेज दीजिएगा। प्रणाम जी, हाँ जी प्रणाम जी, हाँ जी जरूर, ये कार्य जरूर करेंगे, सेवा जरूर करेंगे। हाँ जी सुंदर साहब जी, हमारी प्यारी अरुणा आंटी की बड़े प्यारे से भाव। अब हम चलते हैं हमारी प्यारी आंटी सुरक्षा आंटी की तरफ। उनके बिना तो हमारा जयपुर बिल्कुल ही अधूरा है। तो बिल्कुल। हाँ जी आइए सुरक्षा। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, आशीर्वाद भी और गायन भी। प्रणाम जी, शुक्र है। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के मेरे कोटान को हाथ जोड़कर सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम जी। इतने भाव सुंदर सब 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 कैमरा सुन ऑन रहे कर हैं। लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए मेरा आंटी, आवाज आ रही है? आवाज आ आवाज रही आ है, रही है ना? कैमरा ऑन कर लीजिए आंटी, इतने प्यारे भाव सबके मैंने सुन लिए, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन कर दिया। नहीं हुआ, नहीं हाँ हुआ, जी अभी हो गया। आ गई। हाँ जी बिल्कुल, मैं मतलब थोड़ा सा ये एक भाव से राज्य की कृपा से बोल रही हूँ, आप जरा मेरी जो गलती हो जाए तो उसे क्षमा करते। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होई हो, प्रेमे में मगन होई हो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी दाम जइए, सखीरी दाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचाया अवसर फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, मेरे मीठे ओले साथ जी।
हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा राम, सखीरी दाम जइयो, सखीरी दाम जइयो। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उला, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उला, मन के मनोरथ पूर्णे, मन के मनोरथ पूर्णे, तुम रंग भर की जो मिला, सखीरी दाम जइये, सखीरी दाम जइये, मेरे मीठे बोले साथ जी, मंगल गाइए दूल्हे के, मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षा, नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसिय रंग रस काम, सखीरी दाम जइये, सखीरी दाम जइये, उठ के नहाइए यमुना जी, उठ के नहाइए यमुना जी, कीजे सकल सिंगार, उठ के नहाइए यमुना जी, कीजे सकल सिंगार, साथ सन्मंदिर मिलके, साथ सन्मंदिर मिलके, खेलिए संग भरतार, सखीरी दाम जइये, सखीरी दाम जइये, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम, सखीरी दाम जइये, सखीरी दाम जइये, महामती कहे मल पतिया, श्री महामती कहे मल पतिया, आओ निज वतन, श्री महामती कहे मल पतिया, आओ निज वतन, विलास करो विद वेद के, विलास करो विद वेद के, जागो अपने तन, सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम, सखीरी दाम जइये, सखीरी दाम जइये। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटानकोट प्रणाम जी। कोई मेरे से कोई बोलने में हो गई हो तो क्षमा करना। प्रणाम जी, सुरक्षा आंटी, आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। और सुंदर साहब जी, इस उम्र में भी देखिए कितनी उमंग और कितना अंदर प्रेम है गाने के लिए, सब सुंदर साहब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए
हैट्स ऑफ टू दिस सेवा भाव। हम सबको सीखना है सुरक्षा आंटी से, और ये कोई ऐसा परिवार नहीं है सुंदर साहब जी, सेवा भाव इस परिवार में ही कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे राज किशोर सेतिया अंकल हो, सुरक्षा आंटी हो, बाला सेतिया जी हो, इंदु सेतिया जी हो, या फिर हमारे भाई हो, अति सुंदर इस परिवार से सेवा की शिक्षा हम सब सुंदर साथ को लेनी है। किस प्रकार सतगुरु पर न्योछावर हुए हमारे राज किशोर सेतिया अंकल, उस प्यार को, उस भाव को कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर ऐसे ही गाते रहिए सुरक्षा आंटी, और अपना प्रेम ऐसे ही लुटाते रहिए हम सबके ऊपर। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सुरक्षा आंटी का। वो हमेशा तैयार रहते हैं अपनी सेवा के लिए। जो अब हम चांद आंटी की तरफ चलते हैं, जो जिन्होंने हमें बहुत उत्साह, मतलब इतना जगाया हमारे अंदर। नहीं तो मैं तो इतना झिझक रही थी कि मन संचालक का आपने हमें कार्य दे दिया, सेवा दे दी। तो मैं तो, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाद जूम में जुड़ी हूँ, तो पर आंटी ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे थोड़ा सा पुश किया आगे की तरफ। नहीं तो मैं तो बिल्कुल माया में व्यस्त हो चुकी थी। तो सुंदर साथ जी, आइए समय ना खराब करते हुए चांद आंटी की तरफ चलते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, वैसे तो मैं आज नहीं बोलने वाली थी, मुझे तो अपने प्यारे प्यारे सुंदर साहब ने जो इतने मीठे मीठे भाव सुनाए, पहले जो अनीता जी का भजन, बहुत ही मीठा स्वर और उतने ही मीठे भाव। मैंने मतलब ये वारी रे वारी हमने वरुण जी से भी सुना है, इनसे भी सुना है। हर जो सुंदर साहब बोलता है ना, उसके भाव जैसे उसमें मिक्स होके एक अलग सी ही बात ले आते। तो सुनीता जी का भजन मुझे बहुत प्यारा लगा, बालाजी के भाव तो बहुत ही रुलाई गई, आंसू आ गए आंखों में। और किसको कहूँ, राजेश ने तो जो कमाल कर दिया, जितनी सुंदर प्रेम के ऊपर बोली और जितनी सुंदर कविता बोली, एक एक सुंदर साथ ने। अरुणा जी तो तैयारी नहीं हो रही थी, इतनी मुश्किल से इनको किया, नहीं आप कर सकते हो। और इन्होंने कितने, जैसे ना बिल्कुल भोला भाला कोई एक बच्चा होता है ना, अपनी भोली सी बात किया जाता है, इतनी सुंदर निश्चलता से उन्होंने बातें कही। और सुरक्षा बहन जी की तो क्या बात कहें, कितना अच्छा वो तो बोलते ही है। तो सुंदर साहब जी, राजेश ने कविता पढ़ी तो मुझे भी एक कविता पढ़ने का प्रलोभन हो गया। थोड़ी छोटी छोटी सी काव्य जिसके अंदर होता है ना, लालची होते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो मैं एक कविता सुनाती हूँ आपको सुंदर साहब जी, कभी बहुत पुरानी 80s में कभी लिखी थी मैंने। तो मेरे राज, आरंभ से आज तक का तुम्हारी प्रत्येक प्रिया के हृदय का चिरंतन प्रश्न, पहले यदा कदा पर अब अधिकतर ही सालता है मुझे। यूं तो धनी प्रश्न सदैव प्रत्येक प्रियाओं के हृदय में एक ही होते हैं, वो भी क्यों ना, बाहर से अनेक होकर भी अंदर से तो हम एक ही हैं। हम तुम्हारे पास, प्रश्न है ये तो मेरे धनी, हम तुम्हारे पास तब तक नहीं आ सकते जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं होती, अर्थात हमारी रहनी नहीं बनती। तो दूसरी तरफ तुम्हारे हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी कथनी और करनी एक होगी, तुम्हारे हुक्म से ही हमारी रहनी बदलेगी, यहां तक कि हमारे हृदय में माया से भी मोह और तुमसे मोह, मतलब इश्क भी तुम्हारे हुक्म से ही जगेगा। क्षमा करना मेरे सर्वस्व, मैं अपने दोष तुम पर नहीं डालना चाहती, ना अपने उत्तरदायित्वों से बचना ही चाहती हूं। बस मुझे तो ये बता दो, हमारे बीच की दूरियों का कारण कौन है, तुम और तुम्हारा हुक्म जो वास्तव में एक ही है, या मैं और हम सब, यो हम ही दुखा दो हैं, या हमारे बीच में व्यवधान डालने वाली ये माया। आगे इसी का ही थोड़ी सी और प्रसंग आगे बढ़ा। मेरे धनी, मेरे युगल, प्रश्न उठा हमारे बीच की दूरियों का कर्ता हर्ता कौन है।
हम प्रियाओं द्वारा किया गया अप्रयास या तुम्हारा हुक्म? प्रश्न चिरंतन था, प्रत्येक के हृदय में सुप्त या जागृत था। प्रश्न के मुखरित होते ही उत्तर भी मिला। क्या उत्तर मिला? दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। यद्यपि मैं जानती हूं राज, मेरे एक कदम चलते ही तुम 10 कदम दौड़ोगे। मेरे धनी, इसे ना तो मेरा अभिमान समझना, ना तुमसे अपने आप को अलग करने का मेरा दोष। तुम्हारे कदमों को गिनने की सामर्थ्य कहाँ है मेरी? पर कदमों की गणना, अपने कदमों की गणना करता है मेरा मन। क्षमा करना, मैं सिर्फ अपने ही कदमों को गिनना चाहती हूँ, बार बार आंकना चाहती हूँ कि कोई एक आध कदम में चली भी या यूं ही केवल कथनी में ही रह गई। केवल इसलिए अपने कदमों को नापना परखना चाहती हूँ मेरे राज। सुंदर साथ जी, बड़ी पुरानी कविताएं थी दोनों, तो आज राजेश की सुनी इतनी प्यारी सी कविता, तो मेरा भी मन कर गया कुछ बोलने का। तो सुंदर साथ जी, वैसे मैं इतनी जल्दी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, दोबारा आऊंगी। ये तो थोड़ा सा बीच में प्रसाद के रूप में मेरे मन में भाव आ गए, तो मैंने बोल दिया। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चांद कमल आंटी की लेखन की प्रतिभा को हम सब सुंदर साथ जानते हैं। बहुत सुंदर नाटिका लिखी गई थी सरकार श्री महाराज जी राम रतन दास जी और स्वामी जी के जीवन को थोड़ा थोड़ा सा उसमें हमने देखा था। अति 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 सुंदर ये प्रतिभा राज जी की सेवा में अब लग चुकी है। आगे देखिएगा कितनी सेवाएं इधर से आने वाली हैं। सुंदर साथ जी, लेखन की आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर शब्द नहीं है इसके लिए मेरे पास कि मैं क्या अर्पित कर दूं आपके चरणों में। चांद कमल आंटी अति सुंदर। और मैं सुंदर साथ जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो जो आपने लिखा है धाम दर्शन में भेज दीजिए, रतनपुरी से छपती हैं श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी, और तारतम मंजरी में भेज दीजिए, और जिस जिस स्थान से कुछ छपता हो आपको पता है, ज्यादा मुझे इतना नहीं पता, अपना लेखन कार्य जरूर भेजते रहिए। अपनी सेवाएं किसी भी पत्रिका में, लेखों की कमी हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, जबकि इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ हमारे पास हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जयपुर सुंदर साथ की जय। बहुत सुंदर ऐसा जयपुर लेकर आया, सोचिए पार्ट टू क्या होगा, पार्ट थ्री क्या होगा, आगे चढ़ती चढ़ती रोशनाई आती जाएगी। पार्ट फोर की बात हो रही है चांद कमल आंटी की ओर से, राज्य करे 5 शक्तियां बने, 5वां भी जल्दी ही इकट्ठे हो जाएंगे सुंदर साथ। और बहुत सुंदर, अति सुंदर। और शिल्पा, मैं शिल्पा को देवरानी नहीं, बहन नहीं, मैं तो उसको बेटा बोल सकती हूँ। मुझे इतनी प्यारी लगती हैं वो, इतनी सेवा उन्होंने की है घर में। आपके चरणों से लिपट कर प्रणाम करूं वो भी कम है। मैं जानती हूँ वो बहुत भावुक है। मेरी बहन नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है शिल्पा। आपने बहुत सुंदर किया बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खूब खूब सेवा में आगे बढ़ो। राजी ने प्रेम आपके अंदर भर रखा है, आप सेवा में बहुत आगे जाएंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत लाड मिले आपको धनी जी। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं अब आगे तो कुछ ना बोल सकती, तो हम सब जयपुर के सुंदर साथ, गुलाबी नगरी के सुंदर साथ की तरफ से आचरण आपके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। ये तो अभी शायद वो ना चांद आंटी ने कहा ना, मैं आती रहूंगी, तो ये कहने का भाव है कि ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल सही प्रणाम जी, बिल्कुल सही। आप हर बार आती रहिएगा चांद आंटी और शिल्पा जी, और नगीने, इतने इतनी चमक हमने देखी आज जयपुर सुंदर साथ की, इतनी रोशनाई देखी धनी, और दिलों को रोशन करते जाना, हम सब जुड़ते जाएं और ये प्रेम की तरंगों की रोशनाई और बढ़ती जाए।
सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंत में प्रवीण भाई जी को जरूर याद करना, भूलूंगी नहीं मैं ये जो भावों का उनके हृदय में धनी ने दिया। शुक्र है पिया जी, इसी माध्यम से आप सब सुंदर साथ के नए नए प्यारे प्यारे सुंदर साथ के दर्शन हो रहे हैं, जिनके कब से नहीं हुए उनको मिलके इतनी खुशी हो रही है। धनी हम सबको ऐसे ही मिलाए रखना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।